अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। वंस अगेन सॉरी, आज फिर आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। एक्चुअली दौरे कुरान का सेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया था, दैट्स वाई आप लोगों को ज़रा इंतज़ार करना पड़ा। सो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। उम्मीद है आपको कल मेरी तमाम बातें समझ आई होंगी। लेकिन मैं एक्चुअली इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर आपको किसी भी जगह पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ समझने में मुश्किल हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चन करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको फिक्स करूँ। अच्छा, ऐसा है कि हम जो कल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पैराडाइम, नुक्ता नज़र को बेसिकली हमने जब स्टार्ट में जब अपना कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने अपनी सोच के ऊपर और सोच के ऊपर डालने वाली नेगेटिव जो फोर्सेस हैं, जो थॉट प्रोसेसेस हैं, या जो चीज़ें हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और हमें पॉजिटिव डायरेक्शन पे नहीं जाने देती, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो उसी का तसलसल है। अब हम एक बेसिकली इसको एज अ होल एक कॉन्सेप्ट के तनाजुर में, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि पैराडाइम जो बेसिकली है उसको हमने देखना है कि हम वो हमारी हमारी लाइफ में और हमारे खास तौर पे जो गोल अचीवमेंट है, यानी कि जो हम अपना गोल सेट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक उसको हमने सेट करना है। तो दैट्स वाई उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पैराडाइम या नुक्ता नज़र जो है वो हमारी लाइफ में हमारी जो डायरेक्शन है कामयाबी की तरफ उसके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है और उसकी क्या अहमियत है और उसको हमें कैसे सेट रखना है और कैसे उसमें हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो कल के सेशन में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो यही एक दो बातें की थी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या हमारा कौन सा एटीट्यूड ऐसा है जिससे हम सारे मामलात को एक सरसरी नज़र से देखते हैं और उनको उनके ऊपर प्रॉपर ग्रिप नहीं रखते, जिस वजह से हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो माइट बी उस वक्त के लिए तो बेहतर हो लेकिन फ्यूचर में वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें उस पैराडाइम में हम जिस माहौल में या जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अहमियत रखती हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारा जो नजरिया है या चीज़ों को देखने का जो अंदाज है वो बहुत मैटर करता है। उन चीज़ों के उसको हम तनाजुर कहते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव एक्चुअली जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं और उन चीज़ों उन चीज़ों के तनाजुर में हम जो भी कोई चीज़ देखते हैं, किसी बंदे को देखते हैं, किसी व्यू को देखते हैं, वट एवर भी कोई सीन हमारे सामने कुछ हो जाता है, कुछ समथिंग हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, कि आप कुछ देखते हैं और उसे आप परसीव उस तनाजुर में ही करते हैं कि और इसी तरह उस तनाजुर से परसीव करके आप अपना एक ओपिनियन जनरेट करते हैं सिचुएशन में और उस ओपिनियन के बाद आप उसको फाइनलाइज करने के लिए, यानी उस ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए आपकी जो भी रेफरेंसिंग वे है, आप उस चीज को कहें उस चीज के लिए जोन से भी आप रेफरेंस जनरेट करते हैं। आपका माइंड अपनी नॉलेज के तहत या रिसर्च के तहत कोई भी इशू है उस रेफरेंसिंग के थ्रू आप उस ओपिनियन को कंफर्म करके उस चीज से बिलीव कर लेते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये नॉर्मली किस तरह से जनरेट होता है या हमारी जो सोच है वो किस तरह से बन जाती है किसी भी सिचुएशन में, वो उसका उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके उसी सिलसिले में मैंने कुछ आपको कल सजेशंस भी दी थी कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव पैराडाइम की तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, वो हमारी वो चीज़ें हमें बहुत पॉजिटिव हमारे लिए रहेंगी। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमारा ताल्लुक जो है वो अल्लाह ताला के साथ होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह हम मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। किताब में बुक रीडिंग के साथ साथ अच्छी महफिल और अपने आप को मोटिवेट रखना एक खास मकसद के लिए वो, और अपने आप को जो कि उम्मीद में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल जो आज से टॉपिक से रेलिवेंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हम जब भी किसी को मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो हम कितने मार्क्स देते हैं। हम मार्क्स मीन मेरा कहने का मकसद ये कि हम अमूमन जब भी किसी को देखते हैं तो हमारा एक एटीट्यूड है कि
अगर तो एटीट्यूड इस तरह से बन जाता है, तनाजुर जैसे मैंने आपको बताया कि जिस माहौल में हम रहते हैं या जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस माइंडसेट में हम रहते हैं, हम उसके तहत चीजों को परसीव करते हैं। किसी को भी देखते हैं तो उसके मुताबिक उसके लिए कुछ राय कायम कर लेते हैं, उसको कुछ अगर मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ से बात करना चाहते, एक नया कॉन्सेप्ट आपको आपके साथ रखना चाह रहा हूँ कि हम मार्किंग करने लग जाते हैं, हम देखने लग जाते हैं कि अगर लेट्स सपोज एक बंदा है, उसके पास अच्छी गाड़ी नहीं, लेटेस्ट मॉडल कार है, और वो बहुत अच्छा ड्रेसअप है, और उसके पास उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो हम फौरन से उसकी मार्किंग करेंगे कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है, या बहुत मतलब मालदार है। ये डिपेंड करता है आप, ये परसेप्शन क्या है, आप चीजों को देखते किस तरह से हैं। आप देख रहे हैं कि भाई एक आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है गाड़ी, लेटेस्ट मॉडल कार बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप उसको बहुत अहमियत देंगे। और इसी तरह बेशक बहुत अच्छा और बहुत काबिल, बहुत नेक, बहुत बाइखलाक इंसान जो है वो साइकिल के ऊपर सवार है, और वो उस गाड़ी के साथ, फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उस गाड़ी के साथ टकरा जाता है। तो आप देखें अपने आप को, एनालिसिस एनालाइज करें सिचुएशन को, कि आप उस साइकिल वाले को देख रहे हैं तो आपके जहन में साइकिल वाले का इमेज क्या बन रहा है, आप उसको क्या वेटेज दे रहे हैं, कि मतलब उसको मिसाल के तौर पे मैं अगर मार्क्स में बात करूँ तो 10 मार्क्स हैं और 100 मार्क्स हैं, तो उसमें आप उसके सबसे पहले पर्सनैलिटी के, अगर आपने बहुत ज्यादा मार्क्स रखे हुए, गाड़ी ड्रेसअप कैसा है, गुफ्तगू कैसा, फॉर एग्जाम्पल वो साइकिल वाला है तो बेचारा अगर पंजाबी में बात कर रहा है या लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आप उसकी मार्किंग कट करते रहेंगे, कट करते रहेंगे, माइट भी आप उसकी मार्किंग करके 10 to 20 मार्क्स पे ले। और जबकि जो गाड़ी वाला है, अगर वो ऑब्वियसली एजुकेटेड भी है, पढ़ भी गुफ्तगू अच्छी कर रहा है ऑब्वियसली, या फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बात कर रहा है, या उसके ड्रेसअप भी बहुत अच्छा है, और वो उनका एक्सीडेंट होता है, और गलती बेशक गाड़ी वाले की है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? आपको इंसाफ के लिए कह दिया गया भाई आप इंसाफ करें, आप सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट करेंगे? अगर तो आपका जिंदगी का जो महवर है, या आप जो अपना जो आपका मार्किंग क्राइटेरिया है, वो ये वर्ल्डली डिजायर्स या वर्ल्डली चीजें हैं कि मिसाल किस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, या किस बंदे का गुफ्तगू का अंदाज कहता है, और एक बंदा दूसरा दूसरी तरफ जो है उसका उसका जो कैलिबर है या उसकी पर्सनैलिटी है, वो एज पर योर वे ऑफ मार्किंग बहुत कम है, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जो हमें इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में सोचना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बेसिकली जो हमारा सोचने का अंदाज है वो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि हमें, हमने जैसे कोर्स का जो नाम रखा हुआ सक्सेस और सक्सेसफुल इंसान बनना है और एक कामयाब इंसान बनना है, तो कामयाब इंसान की क्या अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर एक बंदे के पास वसाइल ज्यादा हैं तो हम उससे इम्प्रेस हो जाएं, या एक बंदे के पास अथॉरिटीज ज्यादा हैं तो उसे हम इम्प्रेस हो जाएं? ये एक सवाल है जो आप लोगों ने अपने साथ रखना है हर वक्त, और इस चीज को देखना है कि आप किसी को जब भी देखते हैं तो आप उसको मार्किंग उसकी कर देते फौरन से ही। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा, या किसी भी सिचुएशन में, किसी बंदे से ताल्लुक है, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी भी चीज से रेलिवेंट बात आप रखना है। अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट, मिसाल फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो आप उसकी बिल्डिंग को देखेंगे, आप उसकी फोकेलिटी को देखेंगे, या आप उसके डिसिप्लिन को देखेंगे, आप जिन चीजों को, जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, आप देखें आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे। आप किसी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कैंपस है, आप उसे इंप्रेस होकर उसमें एडमिशन ले लेंगे, जबकि अगर दूसरा इंस्टीट्यूट है, वहां की फोकेलिटी अच्छी है, वहां का डिसिप्लिन अच्छा है, वहां जो जो आपको स्किल्स अच्छे सिखाए जा रहे हैं, यानी कि आपको जो स्किल्स आप सीखना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे सिखाए जा रहे हैं, तो आप किसका इंतखाब करेंगे? तो ये जो इंतखाब करना है, ये अमूमन हम इसी वजह से गलत करते हैं, और इसी वजह से हमसे गलती होती है कि हमें हमारे जो असूल जो सॉरी नुक्ता नजर है उसकी जो बुनियाद है, जो जो यानी कि जिसको हम कहते हैं महवर है, या जिन चीजों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो जो जिन चीजों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो क्या है? वो वर्डली चीजें हैं, जो जाहिरी चीजें नजर हमें आ रही हैं, हम उनकी बेस के ऊपर उस चीज का डिसीजन ले लेंगे, या हम कोई खास चीजें हैं, या जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर आप ये अगर अकलमंद इंसान हैं और आप अपनी डिग्री का या इंस्टीट्यूट का इंतखाब कर रहे हैं, तो आप ये आपको ये देखना चाहिए कि
इस इदारे में जो फोकैलिटी है वो कितनी अच्छी है, या इस इदारे से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, उनका कैलिबर क्या है, वो वाकई वो चीज़ सीख जाते हैं, या फिर एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी नेम है और बहुत बड़ा नाम है, ऑब्वियसली अगर वो 40-50 साल से पुरानी या 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है, तो आप उसके अंदर उसमें पसंद करेंगे, उसमें एडमिशन आपको मिल जाए। तो ये जो नजरिया है दूसरों के बारे में, हम जो नुक्ता नजर रखते हैं दूसरों के बारे में, ये किस बेस पे होना चाहिए, जैसे जिंदगी, और बेसिकली हमारा जो इस चीज का डिस्कस करने का मकसद है वो यही है कि हम अपने मकसद को मद्देनजर रखें। क्या हमारा मकसद जो है वो मकसद हमारा क्या है, लोग हैं हमारे हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे दोस्त यार, हमारी फैमिली, हमारे हमारा कारोबार, माल दौलत, या पर्सनैलिटीज, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज, दीनी पर्सनैलिटीज, सियासी पर्सनैलिटीज, या शोबिज की पर्सनैलिटीज, वट एवर भी, आप किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और मरकज और महवर मीन्स कि आप किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऑब्वियसली आप जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे, आपका नुक्ता नजर या आपकी सोच उस तरफ जाएगी, और जब उस तरफ जाएगी तो आपका जो गोल है गोल भी उस तरफ जाएगा, या आप जो अचीव करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपको एक आप इम्प्रेस हो रहे हैं एक्टर से, किसी एक्टिंग करने वाले इंसान से, तो ऑब्वियसली आप उससे ही इंप्रेस होंगे, और आपकी जो सोच का अंदाज है या जो आपका जो नुक्ता नजर है वो एक एक्टिंग की तरफ जाएगा, और आप चाहेंगे कि यार मैं भी अपने आप को एज अ मैं ऐसे इंप्रेस हो रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा मुझे वो इंप्रेस कर रहा है बंदा या पर्सनैलिटी, तो मैं भी उस डायरेक्शन में जाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किन चीज़ों से इम्प्रेस हो रहे हैं, हमारा हमारी तरजीहात क्या है, और इसको बेसिकली मैंने अभी आपके सामने जैसे डिस्प्ले भी किया कि हमारे ये बेसिकली मुख्तलिफ कलर्स की ग्लासेस की तरह, जैसे हम थ्रू आउट द टॉपिक हम एक चीज़ डिस्कस करें कि जो नुक्ता नज़र है ये एक ग्लासेस की तरह है। अगर आपकी ग्लासेस, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर उनका नंबर खराब है और वो सही नहीं है, तो आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख सकेंगे। तो मैंने एक्चुअली अभी जो आपके सामने डिस्प्ले किया है, इसमें भी यही बताने की कोशिश की है कि हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, और मुख्तलिफ एज के लिहाज से भी ये चीज़ें वेरी करती हैं कि अब जैसे हम यंग हैं तो हमारे लिए हमारे दोस्त यार, हमारे जो हल्का अहबाब है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको मैंने रेड कलर दे दिया, यानी कि हम जब अपने दोस्तों के महफिल में रहते हैं या उनके असर में रहते हैं या उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं या उनसे इम्प्रेस हो रहे होते हैं, तो उन हम उसी नज़र से हर चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं, और वही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। और मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि इसके अंदर हो सकता है कि आपके दोस्त यार या आपकी फैमिली वाले या कोई आप जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं वो हिट हो रही हो, लेकिन ये एक रियलिटी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हमारे दोस्त, फॉर एग्जांपल आप देखें जब स्कूल में हम होते हैं, हम स्कूल हमारे लिए हमारे स्कूल के दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनके लिए हम समझते हैं यही हमारी ज़िंदगी है, इसी यही हमारा मरकज और महवर है, और हम ये समझते हैं कि हमारा दोस्त नाराज हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या हमारा दोस्त हमारे लिए कुछ जो कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कि हम उसकी वजह से अपने पेरेंट्स को भी नाराज कर देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें कहीं ले जाना चाह रहे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो अपने दोस्त के पास ही जाना है या उसके साथ ही जाना है, और थोड़े दिनों बाद या कुछ अरसे बाद ही जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं वो स्कूल के दोस्त, कहाँ जाती हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं या बहुत ही कम दोस्त रह जाते हैं, और आपका फोकस जो है वो कॉलेज के दोस्तों के साथ ज़्यादा बन जाता है, आप उनके साथ ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, उनकी अप्रोच को ज़्यादा एडमायर, उनकी इवन की जैसे आप ये नोट करिएगा कि आप अमूमन दोस्तों की ही जब हमारे इससे दोस्तों का जैसे जैसे तरजीहात में अगर हमारे दोस्त हैं तो उसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि अमूमन हमारा दोस्त अगर मैट्रिक में बायो रखता है या मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो बेशक हमें बायो पसंद नहीं भी आ रही होती, हमें कंप्यूटर साइंस पसंद होता है, लेकिन हम कहते हैं मेरे दोस्त बायो या मेडिकल में जा रहे हैं, तो हम पेरेंट्स को हम कन्विंस करते हैं कि मैंने मेडिकल में ही जाना है, बेशक वो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो उस तरह से मेडिकल के लिए फिट इन ना हो या बेहतर ना हो, लेकिन फिर भी हम दोस्त को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और उसकी वजह से हम डिसीजन ले लेते। तो जो चीज़ या जो तरजीहात आप के वक्त के साथ बदल जाती हैं या वक्त के साथ उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, तो कैसे मुमकिन है कि वो आपकी ज़िंदगी का गोल बन सके या उनकी बुनियाद पे आप अपनी ज़िंदगी की जो अपना मकसद है उसकी बुनियाद डाल दें। तो
ये मैं नहीं कहता कि दोस्त नहीं होने चाहिए, दोस्त जरूर होने चाहिए हमारे दीन में भी। अच्छे दोस्त, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, अच्छे दोस्त, अच्छी सोच वाले दोस्त, प्रोडक्टिव सोच वाले दोस्त हमारी जिंदगी में बहुत किरदार अदा करते हैं, और हमें जरूर ऐसे लोगों को अपनी अपनी गैदरिंग में, अपने कनेक्शन में रखना चाहिए। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी या आपके जो जो आपका मकसद है कि आपने फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की फील्ड में जाना है या बिजनेस की फील्ड आपको अपील करती है, आपका माइंडसेट जो है वो बिजनेस को पसंद करता है और आप समझते हैं कि मैंने अपनी फ्यूचर लाइफ में बिजनेस को अडॉप्ट करना है, तो आप अपनी लाइन को छोड़ के अपने दोस्त की पसंद की वजह से या उसके उसके इंटरेस्ट की वजह से आप अपने आप को मेडिकल में डाल देते। तो ये जो चीज है या ये जो वीकनेस है हमारी यानी सोच की, इस चीज को मद्देनजर रखें और इसका ध्यान रखें कि हमें दोस्ती में भी इतना ज्यादा आगे नहीं चले जाना चाहिए, या दोस्ती को भी अपना बिल्कुल यानी से कह लेना कि अपना उठना बैठना ओढ़ना बिछोड़ना दोस्ती बस दोस्ती ही हो। नहीं, दोस्ती हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग। इसी तरह वालदेन, वैसे वालदेन नाराज मत हो, मैं वालदेन के बारे में भी यही सोच रखता हूँ कि वालदेन की खिदमत करना और उनके उनको उनकी रिस्पेक्ट करना सबसे अव्वलीन। जैसे मैंने आपको, अगर अभी आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना हो, तो जो मैंने अल्लाह की मखलूक के साथ ताल्लुकात में बात की थी कि अपने, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कामयाब इंसान की, कि अल्लाह से ताल्लुक, अपनी जात से ताल्लुक और अल्लाह के लोगों के साथ ताल्लुक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और अल्लाह के लोगों में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वालदेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवन के मैंने उसमें ये चीज आप लोगों को बताया था कि अगर हम में से कोई भी बंदा सर्टिफिकेट लेना चाहता है कामयाब इंसान का, तो वो सर्टिफिकेट उसको उसके वालदेन से ही मिलेगा, क्योंकि आपके वालदेन ही आपको बता सकते हैं कि आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये सारी बातें हकीकत हैं और इन बातों से कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस चीज को भी मद्देनजर हमें रखने की जरूरत है कि क्या हम अपनी जिंदगी का जो मकसद है, जो अपना गोल है, वो वालदेन के डिपेंडेंट होके तो नहीं रख रहे। फॉर एग्जाम्पल हम ये तो नहीं समझ रहे कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ हर हाल में अपने वालदेन को ही खुश रखना है। नो डाउट इस चीज को क्लियर करें, वालदेन को खुश रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कहाँ पे, अगर हमारे वालदेन किसी मुकाम पे या किसी जगह पे अगर हमें किसी गलत पॉइंट या गलत बात का हुक्म देते हैं, तो क्या हमें उसको मान लेना चाहिए? अगर हमने अपने वालदेन को बिल्कुल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट रख दिया है और अपनी जिंदगी का मकसद ही उनको बना लिया है, तो हम क्या उनकी हर गलत बात को भी मान लेंगे? ये बात सोचने की है कि हम अपने वालदेन को भी अपनी जिंदगी का मकसद बना सकते हैं या उनको मरकज और महवर बना सकते हैं। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग माल को, दौलत को अपना मकसद बना लेते हैं और अपनी जात को मकसद बना लेते हैं। उनका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि हम पैसे को अचीव करें, पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी बुनियाद पे हम लोगों को जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा आपके साथ मिलता है और आपको कहता है मैं F7 या डिफेंस में रहता हूँ या गुलबर्ग में रहता हूँ, किसी अच्छे इलीट एरिया में रहता हूँ, आपको बताता है मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा घर यहाँ पे है, तो आपके जहन में एकदम से क्या परसेप्शन बनती है? और इसी तरह अगर दूसरा बंदा आके आपको किसी ऐसे सेक्टर की बात या किसी ऐसी लोकेलिटी की बात करता है जो नॉर्मल है, जहाँ पे एवरेज लोग रहते हैं, या मिसाल के तौर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर नहीं है या बहुत बड़े बड़े जो आप ये कहने के मिल ऑनर या कोई बहुत बड़ी एलीट फैमिलीज नहीं रहती, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? तो आप अगर सिर्फ माल आपने अपना मकसद बनाया हुआ है, तो आप उसकी बुनियाद पे सिर्फ यही देखेंगे कि भाई किसी की गाड़ी कितनी बड़ी है और कौन से मॉडल की है। तो इन चीजों की तो मिसाल ऐसे ही है कि अगर आज आपने एक लेटेस्ट मॉडल गाड़ी देख ली या किसी दोस्त के पास अगर लेटेस्ट मॉडल गाड़ी आ भी जाती है, तो कुछ अर्से बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो क्या हम उसको उसको ही इम्पोर्ट, यानी मैं कहने का मकसद कि हम किसी भी ऐसी चीज को कैसा कैसे मकसद बना सकते हैं जो जिसकी जो टेम्परेरी है, जिसका इम्पैक्ट टेम्परेरी है और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि अगर लेट्स सपोज एक बंदा एलीट सेक्टर में रहता है तो वो बहुत अच्छा होगा या उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, या वो हमारी, जैसे कि हमारा जो अगर मकसद बड़ा है या हम किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो या क्या वो हमें अच्छे सोच देगा या किसी अच्छे मकसद की तरफ हमारी रहनुमाई कर सकेगा? इट्स नॉट नेसेसरी।
हमें इस चीज को देखना है कि, और इसी तरह बहुत बड़ी गलती जो हमारे अंदर पाई जाती है, जो मैं तो कहूंगा प्लीज प्लीज इस अपने आप को संभालें, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि हम अपने आप को, अपने मकसद को समझने के लिए हम दूसरों के या दूसरी चीजों के पर रिलाई करें। हम फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का जात का जो महवर है, मरकज महवर होता है, सियासत होती है, बस सियासतदान, बस लीडर, वो अपनी जान देने के लिए तैयार हुए होते हैं उन लीडर्स के पीछे। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर आपका ठीक है, लीडर्स बहुत अच्छा भी, अच्छे लीडर भी होते हैं, लेकिन अगर वो काम आप उनको उनको ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं और उन्हीं के ऊपर अपना सारा मकसद का दारो मदार डाल रखते हैं, तो अगर आपका लीडर कुछ अरसे के बाद किसी करप्शन में पकड़ा जाता है और वो उसकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं रहती, तो फिर कहाँ गया आपका लीडर? तो सवाल ये पैदा होता है इन सारी बातों के बाद, आप मेरे से ये पूछेंगे कि हम अपना मरकज और महवर बनाएं तो बनाएं, किसको बनाएं, किस चीज को बनाएं? कि हर चीज में, हर चीज टेम्परेरी है, हर चीज इन अदर वर्ड्स वो फना होने वाली है, या उसके अंदर वीकनेसेस हैं, वो अच्छी भी हो सकती है एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे उसकी अप्रोच नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने जसारत की वालदैन के बारे में बात करने की, कि वालदैन बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, और उनकी उनका जो रुतबा है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो दूसरी एंड पे कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो जो नहीं सही, जो आपको, जैसे अगर हम कहें कि हमारा जो मकसद है, मकसद एक बड़े इंसान बनने का, एक कामयाब इंसान बनने का, जिसका जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ भी है, और आपके वालदेन कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि वो उस चीज के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, तो क्या हम उन चीजों को मान लेंगे? तो ऐसी चीज, ऐसे ऐसे मरकज और महवर जो एक एक वक्त में सही भी हो सकते हैं लेकिन दूसरे पॉइंट पे आके गलत भी हो सकते हैं, वो हमारा मरकज और महवर कैसे हो सकते हैं? तो आए आज मैं आपको अपना पॉइंट बताता हूँ कि हमारा मरकज और महवर, या हमारा जिंदगी, या हमारे जो हम जो चीजें अचीव करना चाहते हैं और उनको कामयाबी से अचीव करना चाहते हैं, तो उनका जो मरकज महवर है वो प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल्स, असूल एक ऐसी चीजें हैं जो सही असूल, जिनको हम अमूमन अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज करें तो लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, सॉरी। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम हम देखें तो हमारे दीन, हमारा दीन फितरत है, वो दीन फितरत जो है वो हमें जो असूल देता है वो सबके लिए एक है। बेशक आप बादशाह हैं, बेशक आप रियाया हैं, वालिद हैं, मदर हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वट एवर भी, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, प्रिंसिपल्स जो नेचर ने, जो अल्लाह सुबहाना व तआला ने हमारे लिए बनाए हैं, वो सबके लिए सेम है। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी आप इदारे में चले जाएं, या किसी भी अपनी जिंदगी में किसी भी फील्ड को आप चुनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड को चुनना चाहते हैं, वो असूल हर फील्ड पे अप्लाई होते हैं और उन असूलों में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और वो असूलों मैंने आपको बहुत सारी पिछली पिक्चर में दिखाया, पिछली स्लाइड में दिखाया कि बहुत सारी ग्लासेस हैं, ऐनके हैं जो मुख्तलिफ कलर्स की हैं, और वो उन आप जब वो पहनेंगे तो आपको उन्हीं उसी नजर से या उसी रंग की दुनिया नजर आएगी, जबकि हमने एक्यूरेट कलर की या एक्यूरेट रियलिटी देखनी है, और रियलिटी देखने के लिए हमने अपनी जिंदगी का मरकज और महवर बनाना है असूलों को, प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल्स की बेसिक सी डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया वो सबके लिए सेम है, वो क्या है? दयानतदारी। इस असूल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह आप चले जाएं और किसी से भी आप डिस्कस कर लें, किसी भी दीन में, अगर आप जो भी दीन, अगर दीन किसी भी दीन को अगर आप देख लें तो वहां पे ये चीजें मानी जाती हैं। दयानतदारी, सच बोलना, मेहनत, कि आप मेहनत के बगैर कोई भी बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सकते, और कंसिस्टेंसी, इसी तरह आपने सच बोलना, फिर इसी तरह मेहनत, मोहब्बत दूसरों के लिए, मोहब्बत जिन जो आप अल्लाह की मखलूक है, इवन के अल्लाह के साथ मोहब्बत करना, अपनी जात को अल्लाह से अल्लाह ताला के साथ जोड़ना और मोहब्बत करना अल्लाह की मखलूक के साथ, और तभी हमारे अंदर ये फीलिंग पैदा होगी ना कि जब हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के मखलूक के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे। तो ये वो असूल हैं, और इस तरह के बहुत सारे असूल, और इनमें टॉप ऑफ द
मैं टॉप जो रूल बताऊंगा, जो मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, एक रूल जिसको मैंने देखा है जो कामयाबी के लिए, एक जो कह सके अपनी सिचुएशन को बिल्कुल चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट असूल, जो मुझे बहुत बेसिकली तो सारे असूल बेस्ट हैं, और इसी तरह एक असूल है शुक्रगुजारी का असूल, कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं और आप उसको फौरन से चेंज करना चाहते हैं कामयाबी की तरफ, तो यकीन मानिए ये सारे असूल, और इनमें स्पेशली शुक्रगुजारी का, अल्लाह का शुक्र अदा करना और लोगों का भी शुक्रिया अदा करना, इतना इतना इसका जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं दोबारा अपने पॉइंट के तरफ आता हूँ कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं आपको आज के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। इन प्रिंसिपल्स के बगैर आप कभी भी दुनिया में क्या आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकते। ये अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए कि इन प्रिंसिपल्स को बायपास करके आप इस दुनिया में भी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं, और आखिरत में भी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, और आखिरत में भी आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, ये वो रूल्स हैं जो आपको इंशाल्लाह अगर आप इनको इनको अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे तो आप इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो इस इन असूलों में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और इनको जिस हाँ मैं ये जरूर समझता हूँ कि हम लोग हर बंदे की एक स्ट्रेंथ होती है, एक बंदा एक खास हद तक किसी मतलब शुरू में, अगर ऐसे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम झूठ बोलना हम छोड़ना चाहते हैं, हम सच बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम किस तरह करना चाहते हैं, कर सकते हैं इस चीज को अप्लाई, तो मेरा उनको जवाब यही होता है कि पहले तो आप इस चीज को मुकदम समझें और इस चीज को फाइनलाइज कर लें कि आपके लिए दुनिया में जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट आपके असूल है, और वो असूल मेरे आपके या किसी स्कूल कॉलेज के टीचर के नहीं बनाए हुए, वो असूल अल्लाह सुबहाना व तआला ने बनाए हैं, और वो असूल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना व तआला ने अपनी किताब कुरान में हमें दे दिए हैं, और वो असूल उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिल जाती है। तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये चीज मुश्किल है या आसान है, आपने अपना मुकाम जो समझा हुआ है और आपने जिस मुकाम तक पहुंचना है, तो फिर आपको इन चीजों को, ये मुश्किल है या आसान है, आपको इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा और इन्हीं असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना पड़ेगा। और आप इसकी मिसाल आप दुनिया में भी देख सकते हैं कि दो लोग इन असूलों पर चढ़े चले, बेशक वो मुसलमान नहीं भी हैं, आप हैरान, हम अमूमन मिसाल देते हैं कि भाई बाहर के लोग झूठ नहीं बोलते, देखें कितनी तरक्की कर ली है, तो भाई वो असूल हमारे नबी ने हमें पहले ही बता दिए हैं, ये हमारी कमजोरी है, हमारी वीकनेस है कि हम उनको अप्लाई नहीं कर रहे, और हम जब उनको अप्लाई करेंगे तो तब ही हम एक बड़े मकसद को हासिल कर सकेंगे। मैं आज का टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करूंगा, और इंशाल्लाह अपने कल के क्लास में हम इंशाल्लाह इन्हीं असूलों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा कि शुक्र गुजारी का असूल बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा खैर पाया, इंशाल्लाह इसको मैं कुछ डिटेल से स्पेशली कोशिश करूंगा कि पूरा लेक्चर या पूरी अपनी जो क्लास है इसी के पर रखूँ, और मैं चाहूंगा कि आज के बाद जो है आप लोग भी रेगुलर रहें और दूसरों को भी इनवाइट करें, क्योंकि हमारा जो आप ये समझ लें कि पूरे कोर्स का या पूरे कोर्स की जो दारो मदार है या वो सबसे इम्पोर्टेंट वो हमारा यानी कि वो इन्हीं असूलों पे होगा, क्योंकि हम जब ये असूल पढ़ेंगे और इनको डिस्कस करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि हमारी लाइफ में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी सक्सेस में, हमारी कामयाबी में, हम जो अपना किरदार बनाना चाह रहे हैं उसमें असूलों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो असूल समझने के लिए आल्दो के हम सारे जानते भी हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उनको दोबारा हम डिस्कस करें और उनके ऊपर फोकस करें और उनको स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि असूल तो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल, मतलब इनको कोई बंदा कैलकुलेट तो नहीं कर सकेगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे असूल, और बहुत हर बंदे की सक्सेस स्टोरी से आप बहुत सारे असूल अखज कर सकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेसिक असूल
असूल जो प्रिंसिपल जो हैं वो डिस्कस करें, जिनको हम अप्लाई करके अपनी लाइफ को और अपने गोल को अचीव भी कर, लाइफ में भी गोल्स को अचीव कर सकें और आखिरत में भी इंशाल्लाह हम अल्लाह सुबहाना ताला के आगे सुरखरू हों। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।